नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। भारतीय नौसेना की और बढ़ेगी ताकत। आकाश में सेना का तीसरी आंख बनने जा रहा है स्वदेशी दृष्टि 10। ड्रोन हमले को भी कर देगा नाकाम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर 22 जनवरी को गोवा में रहेगी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी। स्कूल और कॉलेज भी रहेंगे बंद। मणिपुर से ही शुरू होगी कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। प्रशासन ने सशर्त यात्रा निकालने की दी मंजूरी। विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दी बड़ी राहत। कहा, शिंदे को नहीं हटा सकते उद्धव ठाकरे। साथ ही उद्धव ठाकरे की याचिका की खारिज। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे कांग्रेसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने कहा, यह RSS और BJP का इवेंट है। भारत विरोधी बयान को लेकर मालदीव में हुआ दो फार। PM मोदी के पक्ष में खड़े हुए मालदीवी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद माइकल अहमद नसीम। कहा, सरकार औपचारिक माफी जारी करे। पेरिस में भी निकलेगी राम रथ यात्रा। टाइम स्क्वायर पर होगा लाइव स्ट्रीमिंग। यूरोप से लेकर अमेरिका तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दिखेगी धूम। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तेलंगाना के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चारमीनार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। 5 लोगों के घायल होने की है खबर। कारणों का पता लगाने में जुटे रेलवे अधिकारी। कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार करने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा कर हिंदू विरोधी घटिया राजनीति का एजेंडा सेट किया है। बिहार में PM विश्वकर्मा योजना के तहत बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए CSC केंद्रों पर दिन ब दिन KYC कराने के लिए लोगों की बढ़ रही है भीड़। 30 लाख लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिर नहीं मिली राहत। जेल में ही मनानी होगी मकर संक्रांति। पंजाब के जालंधर में फर्जी दस्तावेज बनाकर आरोपियों को जमानत दिलाता था गिरोह। पुलिस ने पर्दाफाश कर किया गिरफ्तार। रिहाई के लिए लेते थे तगड़ी रकम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज नूह उपद्रव के आरोपी बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचे। जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर महेश पंचाल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। बता दें कि 13 दिसंबर की रात बिट्टू के भाई महेश को मौत के घाट उतार दिया गया था। उत्तराखंड के कांगड़ा में तैनात BSF ASI प्रवीण सिंह को साहस के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। बता दें कि प्रवीण 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा सहित 20 से अधिक हिमालय की चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। झारखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने खोला मोर्चा। जल जंगल जमीन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खूब सुनाई खरी खोटी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने किया समर्पण। सर्चिंग अभियान के दौरान 3 और नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में बहनों को मिला मकर संक्रांति का तोहफा। CM मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना योजना की 8वीं किस्त। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ रेजिडेंट इंजीनियर। विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़ा। केवल NOC देने के लिए मांग रहा था 50,000 रुपए। जम्मू कश्मीर में वाहन तलाशी अभियान के दौरान 2 किलो चरस सहित 1 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रियासी जिले का है मामला। पश्चिम बंगाल में ED टीम पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय हुआ सख्त। राज्य सरकार से मांगा गया जवाब। विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही है असली शिवसेना। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले PM मोदी। कहा, हमारा लक्ष्य आजादी के 100 साल पूरा होने तक भारत को विकसित देश बनाना है। राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी ने लोगों को दी अधिक बच्चा पैदा करने की सलाह। कहा, PM मोदी उनके लिए घर बनाएंगे। कोई भी भूख और सर पर छत के बिना नहीं सोएगा। बता दे कि मंत्री जी की 2 पत्नियां और 8 बच्चे हैं। अगर आपके पैरों में लगातार सूजन रहता है तो यह लिवर डिजीज होने के संकेत हो सकते हैं। इसलिए इस लक्षण को भूलकर भी अनदेखा ना करें और तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर ने अप्रेंटिसशिप के 1646 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज से 10 फरवरी 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।